दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की जो आपको पता होगा कि हमेशा निवेशकों के रडार पे रहता है। हमेशा निवेशकों को स्टॉक से ये परेशानी रहती है कि भाई ये स्टॉक भागता क्यों नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से स्टॉक में आप देख रहे होंगे कि निचले स्तरों से एक तेजी देखने को मिल रही है और वापस से एक आप कह सकते हैं मोमेंटम दिखाई दे रहा है स्टॉक में। लेकिन वो निवेशक जो इस मोमेंटम को देखते हुए कोई बहुत बड़ा निवेश करने की तैयारी में है, उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों, ठीक है। अगर आप स्टॉक को ट्रेड करते हो और ट्रैक करते होंगे तो आपको पता तो होगा कि इस स्टॉक की एक्स डेट है 15 तारीख को, 15th of September को। और ऐसे में दोस्तों ये जो तेजी है ये मेनली उस चीज के लिए है, उन लोगों के लिए दिखाई दे रही है जो उसमें डिविडेंड के लिए आ रहे हैं। तो इन ऐसे तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। और ये स्टॉक, ये वीडियो उन निवेशकों के लिए है जो इसमें बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं या आप कह सकते हैं इस तेजी में करें क्या, इस बारे में सोच रहे हैं। तो विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए IRFC दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों, इसका ना निवेशकों के साथ लव एंड हेट का रिलेशनशिप है, ठीक है। लोग इस स्टॉक से बहुत ज्यादा गुस्सा रहते हैं कि भाई जब ये IPO में इसकी लिस्टिंग हुई थी तब से उस प्राइस में भी ये नहीं आया है। लेकिन इस चीज के बावजूद ये स्टॉक दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि निवेशक इसमें फिर भी निवेश करते हैं और गिरावट में हमेशा एक्यूमुलेट भी करते हैं। और देखिए यही कारण है कि जब 15 सितंबर को आप देखें, 15 सितंबर की एक्स डेट आई है, तब से स्टॉक में एक तेजी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये तेजी कितनी हुई है जरा मैं आपको दिखाता हूं। पिछले 6 महीने का डेटा देखें आप, इसने जो लो लगाया है 1950 पैसे का, वहां से देखें लगभग 16.5% की ऑलरेडी स्टॉक ये आपको तेजी दिखा चुका है दोस्तों, ठीक है। ऑलरेडी ये स्टॉक आपको तेजी दिखा चुका है, ठीक है। अब आप देखें इस तेजी के पीछे 15 सितंबर को जहां तक मुझे याद है 0.67 पैसे के आसपास की स्टॉक आपको डिविडेंड दे रहा है, और इस डिविडेंड के साथ ही 6% के आसपास इनका टोटल डिविडेंड यूज हो जाता है। और देखिए यही कारण है कि मैंने कहा था कि IRFC में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक चीज बस ध्यान में रखिएगा कि इस स्टॉक पे निवेश तभी करें जब आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं। और निवेश करने से पहले एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जब भी डिविडेंड की डेट आएगी स्टॉक में एक मोमेंटम आएगा, स्टॉक आपको एक तेजी दिखानी शुरू कर देगा। इसीलिए स्टॉक में बड़ी निवेश जब तब करें जब स्टॉक बड़े स्तरों पर गिरते रहे दोस्तों, ठीक है। और देखिए वही हो रहा है स्टॉक के साथ दोस्तों, ठीक है। स्टॉक आपको एक बड़ी गिरावट साफ साफ दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। प्लस IRFC में देखिए जैसे ही डिविडेंड देख, जो कि एक्स डिविडेंड डेट जो है 15 सितंबर, उसके बाद आप देखेंगे कि एक दो दिन के बाद स्टॉक में वापस से गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर गिरावट भयंकर नहीं होती, देखिए अगर बाजार गिरेगा तो मैं आपको बता दूं IRFC आपको वापस ही एक बड़ी गिरावट दिखाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो स्टॉक वापस से एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जब ये कंसोलिडेशन फेज में जाता है दोस्तों, स्टॉक का जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है उससे कोई कनेक्शन नहीं होता दोस्तों, ठीक है। रीजन मैंने हजार बताया है, वो है OFS के कारण। जब तक गवर्नमेंट OFS नहीं लेके आएगी तब तक कोई भी आप इसमें ना तो बड़ी तेजी देखेंगे और थोड़ी बहुत गिरावट ही आपको इसमें देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये स्टॉक आपको निराश ही करेगा, ठीक है। IRFC अभी चल रहा है, आप देखिए 23.5 रुपए के आसपास मुझे लगता है स्टॉक के पास, 23.5 से 24 रुपए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, और इस रेजिस्टेंस को तोड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है मुश्किल क्या दोस्तों, ये तोड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही 15 तारीख को स्टॉक प्राइस एडजस्ट होगा 67 पैसे पे, स्टॉक वापस से नीचे आएगा और वही समय होगा दोस्तों जब ये स्टॉक आपको गिरावट दिखाते रहेगा दोस्तों, ठीक है। और या तो एक बड़े कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। और देखिए जो पिछले बार इसके रिजल्ट आए मैं जरा आपको दिखाऊं, आप देखें IRFC क्वार्टर फर्स्ट और फाइनेंशियल जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था, देखिए तो ऑन स्टैंड अलोन बेसिस कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हैज टेकन अ हिट सीक्वेंशियली एंड केम एट रुपीज
5627 करोड़, क्योंकि देखिए इसके पहले के सिक्वेंशियल क्वार्टर में अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो इससे पहले के क्वार्टर में क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल 22 स्टॉक ने 6000 करोड़ रुपए का आप कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट किया था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो था दोस्तों फॉर द एनबीएमसी इंक्रीज बोथ सिक्वेंशियली और वायर ऑन वायर। इसके बावजूद जो दोस्तों आप समझिए कि जो इनका रेवेन्यू था ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया था और ये आया था 1661 करोड़, जो आप कह सकते हैं एक साल पहले 1501 करोड़ था, यानी 1501 करोड़ के आसपास। तो ये इसके ऊपर वीडियो बनाने का मेन रीजन यही दोस्तों कि आईआरएफसी में मेन जो इशू है वो यही है कि डिविडेंड के आसपास में तेजी आती है और डिविडेंड जब खत्म हो जाता है ये तेजी खत्म हो जाती है दोस्तों, और स्टॉक वापस से एक बड़े कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है और जो निवेशक है खास करके रिटेल निवेशक वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस करता है। तो ये छोटा सा वीडियो था, यदि आपको मेरी छोटी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।